मौसम ही ऐसा है, तो अपने भाई भी जो बीमार हो गए इनके लिए दुआ करें। फिर भाई को जो काम था, जो मिशन था फिर भाई का, वो भी हमने पूरा कर दिया। मेरी भी वैसे ब्रेक खत्म हो गई है, लेकिन मुझे इस भाई ने रोका हुआ है, कहता है कोई रुक जाओ कोई 5-10 मिनट। जन्नत ब्लॉग से क्यों कहते हैं, इधर इधर ना माहौल जन्नत वाला बनाया हुआ है। भाई अभी हम निकले हैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के, तो ये मेरे दोस्त आ रहे थे, इनके साथ ही मैं भी आ गया था नमाज़ पढ़ने के। कुड़ियाँ नाले आए इधर नू आई है, मेरे इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो ये है जी अपना भाई शेख, बेशक ये वो पेंट नहीं है, लेकिन अब आया हूँ मैं लेके आया हूँ तो करवानी तो पड़ेगी। और पेंट आके इधर खोल के इधर आके देखिए कि वो पेंट पे ही और उधरों दोबारा दिखाऊँ उधरों दोबारा दिखाऊँ। तो ये भाई मेरे यूनिवर्सिटी के भाई हैं, ऐसे लोगों के क्लास फेलो, तो ये भी मुझे इधर मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय फंकी सर बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं सलूट नहीं मार सकता, मेरे हाथ में ये पकड़ा हुआ है, तो ये रखना है इधर अपने रूम में। ये कज़न वगैरह मैंने आपको बताया था कल आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, तो ये मेरे कज़न का है, ठीक है, तो वो भी लेके नहीं गए, इधर ही पड़ा हुआ है, तो वो फिर आएंगे ले जाएंगे। तो बाकी खैर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, रेडी शेडी मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और नाश्ता वगैरह हर चीज़ मेरी ओके हो चुकी है। अभी बस इधर से अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं यूनिवर्सिटी। चलो भाई अभी पहुँची हूँ मैं यूनिवर्सिटी, बाइक अपनी लगा दी है पार्किंग में, और पार्किंग मुझे आज उधर रेंट पे मिली है, खैर लगा दी, अभी चलते हैं अंदर। अभी बाकी खैर बाइक जिधर भी पार्किंग मिली है लगा दी है, और लेट में हो चुका हूँ, और जिस सर का लेक्चर है वो पहले ही आ जाते हैं क्लास में, तो सर अभी आ गए होंगे, और लेट में हो गए होंगे, फुल स्पीड में मैं चल के जा रहा हूँ। अभी जाते हैं जाके सबसे पहले लेक्चर लेते हैं। अभी लेक्चर हमारा पहला खत्म हो चुका है, अभी हमारा मेंटोरिंग सेशन है। मेंटोरिंग सेशन मतलब ये है कि मेंटोरिंग सेशन में स्कीम था यार, वही दस मेंटोरिंग से मैं दस रहा। मेंटोरिंग सेशन में होता है ऐसे कि सर हमारे रिलेटिव तो अभी खैर हमारा वो मेंटोरिंग सेशन है, तो अभी ये मेंटोरिंग सेशन अगर होना होगा ना तो वो ग्रुप में मैसेज आएगा, फिर ले लेंगे। अभी जरा आए वॉशिंग वाली साइड पे कहीं शनि मारते हैं, जरा अपने बाल वगैरह सेट करते हैं, फिर चलते हैं अपने पॉइंट पे। अगर मेंटोरिंग सेशन होना हुआ तो मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, फिर जाके ले लेंगे। इधर की हो रहा है, की हो रहा है, बाथरूम में भी काम होंगे ने। तो बाकी तो सारे संगी मेरे पहले भी आए हुए हैं, कोई कंगी शंगी करने, कोई मुंह हाथ धोने, कोई कुछ करने, तो भैया अभी कंगी शंगी मार ली, हालत अपनी सेट कर ली, और इधर अपना सीआर संगी भी आ गया इधर मेरे पास। आज इसकी तबीयत नहीं ठीक, इससे भी ना मौसम का असर हो गया, ठीक है, असर हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल यार हर बंदे का मौसम का असर हो रहा है, ठीक है, मौसम ही ऐसा है। तो अपने भाई भी जो बीमार हो गए इनके लिए दुआ करें, भाई को पीछे तंदुरुस्ती मिल जाए, जल्दी जल्दी भाई से तैयार हो जाए, क्योंकि जो शुगर मेला है ना वो भाई के साथ ही होता है, अपने जिगर के साथ ही होता है। अगर ये ठीक नहीं है तो शुगर नहीं है, तो जब ये ठीक होगा शुगर तब भी होगा, तो इसके लिए दुआ करें लाजमी। हाँ अभी अभी तबीयत फ्रेश होगी ना, शुगर अभी लग जाएगा, बाकी तबीयत पीछे खराब है शुगर लग जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी हमारा मेंटोरिंग सेशन होना है, सर का मैसेज आ गया कि क्लास में आ जाए, जो संगी मेरे जो है वो जा रहे हैं क्लास में, मैं भी चल रहा हूँ। तो भाई मेंटोरिंग सेशन जो है वो हमारा हो चुका है, और आज ये HOD साहब ने ना छापा मारा है, ऊपर बच्चे बड़े कम आए थे, तो क्लास लगी है अच्छे से, और शुक्र है कि नया आ गया था क्लास में, मैं भी जाने लगा था लेकिन नया आ गया था, मैंने ले लिया था, और जो बच्चे नहीं आए ना उनकी अच्छे से क्लास हुई, और उनकी आज पूरा दिन एबसेंट लगेगी आगे भी। तो बाकी मेंटोरिंग सेशन हमारा हो गया, और अभी मुझे जाना है साइंस ब्लॉक में उधर अपने पॉइंट पर जन्नत ब्लॉग में, क्योंकि मुझे इसी भी आया हुआ है आज, आज इसी और प्लान लोग आए हुए हैं, तो इसी की मुझे कॉल्स आ रही हैं कि राजीपुर मेरा वेट कर रहा है, और मैं मेंटोरिंग सेशन लेने चला गया, तो मैं पहले जाने लगा था इसी के पास, फिर मैंने सोचा कि यार चलो आज ना मेंटोरिंग सेशन ले लेते हैं, सर के मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में बार बार के लाजमी लेना है, तो आज ले लेते हैं, तो मैंने लिया। और बाकी HOD साहब ने छापा मारा है, जो नहीं आए थे उनकी क्लास लिखी गई है, बाकी अपनी बचत हो गई है कि मैं टाइम पे आ गया था, मैंने ले लिया। शाबाश बेटा। बाकी खैर अभी चलते हैं जन्नत ब्लॉक में, उधर इसी मेरा वेट कर रहा है, उसकी मुझे बड़ी ज़्यादा कॉल्स आ गई हैं, मैं क्लास में बैठा हुआ था, मैंने फ़ोन ही अटेंड किया, तो उसकी बड़ी कॉल्स आई मुझे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी चलते हैं उसके बाद। ये आ गया था मैं अपने पॉइंट पे, इसी भाई मुझे मिल चुके हैं, और इसी भाई का जो काम था, जो मिशन था इसी भाई का, वो भी हमने पूरा कर दिया। अभी इधर ही बैठे हैं, मेरी ब्रेक है अभी, इसी भाई मिशन आपका कौन सा, आपने मेरे भी भाई का मिशन था, इसने पानी पीना था, पानी इसे मैंने पिला दिया, ठीक है, ये मिशन है एसी का बाकी। हाँ और बाकी अभी हम इधर ही बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे ब्रेक है, एसी फारिग हो गया, मेरी ब्रेक है, मेरी ब्रेक खत्म होगी, मैं जा चला जाऊँगा क्लास में आके मैं लेक्चर दूंगा, तो फिलहाल अभी हम इधर ही हैं, लेकिन मेरा बैग नहीं है मेरे पास, मेरा बैग मैं क्लास में लड़के को कह के आया हूँ, वो मेरा बैग लेके भी आ रहा है, अभी उसका भी वेट हो रहा है, इधर बैठ उसका भी वेट करें कि वो मेरा बैग ले आए। अभी मैं और रिफी भाई इधर आए हैं ऊपर अपने पॉइंट पे, ये खड़ा है मेरे पीछे, मैं इधर बैठा हूँ, और अभी हम ऊपर हैं, ऊपर ही नीचे से क्योंकि ब्रेक खत्म हो गई है, वहाँ भी सारी अपनी क्लासेज में चली गई है वापस, तो रश कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अभी नीचे देख सकते हैं आपके वहाँ में भी बड़ी कम, अभी लड़के हैं थोड़े बोल के घूम रहे हैं, बाकी जो वहाँ में सारी अपनी क्लासों में चली गई है,
मेरी भी वैसे ब्रेक खत्म हो गई है, लेकिन मुझे इस भाई ने रोका हुआ है, कहता है कोई रुक जाओ, कोई 5-10 मिनट फिर चले जाएंगे, क्योंकि सर को पता है कि आगे मैंने मेंटोरिंग सेशन लिया है, मैं कोई 5-10 मिनट लेट भी जाऊँगा तो कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं, तो मैं बस थोड़ी देर मैं भी जा जाऊँगा क्लास में, बाकी सारी वहाँ इधर नज़ारे देख रहे हैं, वहाँ जा रही है अपनी क्लासों में, और बाकी कुछ बचा नहीं है अभी तक, फिर भी हम इधर ऊपर आ गए ना, अभी बैठे हुए थे, टाइम तो पास कर रहे हैं ना कहीं बैठ के। बात तो सही है। अभी ब्रेक मेरी ख़त्म हो चुकी है और मैं और इफ़ी जा रहे हैं, इफ़ी ने भी घर जाना है और मैंने भी जाना है अपनी क्लास में, नहीं मैंने लेक्चर लेने हैं, क्योंकि इफ़ी लोग जो है ना ये फारिग हो चुके हैं, मेरा अभी 5 बजे तक लेक्चर है और 5 बजे तक लेक्चर हैं मेरे, ठीक है, अभी मैं जाकर अपना लेक्चर लूँगा, इफ़ी चला जाएगा अपने घर, उसके बाद फिर मैं अकेला ही रह जाऊँगा यूनिवर्सिटी में, इफ़ी भी घर चले जाएगा, फरहान पहले ही अपने घर चला गया था, तो भी खैर चलते हैं। ओके इफ़ी यार, मेरी यार 5 बजे तक, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल टाइम पे बुला लेना मुझे यार। तो बाकी खैर इफ़ी चला गया, अभी मैं भी चलता हूँ अपने डिपार्टमेंट जाके अपनी क्लास लेते हैं, अभी वैसे मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है, अभी चलते हैं अपनी क्लास लेते हैं, जाके सर को कोई फिल्म सुनाऊंगा अब जाके। अभी लेक्चर हमारा हो गया था और सर ने 20 मिनट पहले ही फारिग कर दिया, मैं क्लास में आया ही हूँ तो साथ ही थोड़ी देर सर ने पढ़ाया, साथ ही सर ने फ्री कर दिया, क्योंकि सर का क्लास में भी लेक्चर है, तो सर ने बोला बाकी जो काम रह गया वो दूसरे लेक्चर में आके मैं करवा दूँगा, तो अभी मैं मेरा ये भी समझिए, अभी हम जा रहे हैं अपने पॉइंट पर, और मेरा बैग जो है वो भी सर ने पहना हुआ है और यही मुझे लेके आया, अभी ये चलो जाकर राउंड का कहते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा है, अगला लेक्चर शुरू होने में ना अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो ये मुझे ले आया कि चलो आज फिर भाई से घूम फिर के जाते हैं जब तक अगला लेक्चर शुरू नहीं होता, तो अभी हम एक कहता राउंड लगा के आते हैं, तब तक शिव तक सर आते हैं। भाई अभी मैं और मेरा संगी जो है ना अभी हम घूम रहे हैं जन्नत ब्लॉक में, और जन्नत ब्लॉक के जरा क्लासरूम भी चेक करें आप हैं, कितने मतलब के क्लासरूम चेक करें, हमारे क्लासरूम देख लें और ये क्लासरूम देख लें, फ़र्क आपको पता चल जाएगा हम जन्नत ब्लॉक से क्यों कहते हैं, इधर इधर ना माहौल ही जन्नत वाला बनाया हुआ है, हमारे बेंच लगे हुए हैं इधर, सोफे वाली चेयर्स लगी हुई हैं, बंदा बैठे हैं बीच में घुस के, ऐसी नींद आती है इन चेयर्स पे बैठ के कि मैं क्या बताऊँ, पेपर देने आते थे ना हमारे इधर बंदे होते हैं पेपर में, पेपर देने में जी बातें हैं, इधर आके बैठ के इतनी नींद आती है, इतनी नींद इन चेयर पर बैठ के, माहौल इधर इतना है, इसी वजह से हम इसे जन्नत ब्लॉक कहते हैं, इधर क्लासरूम भी आप देख लें हमारे क्लासरूम का क्या हाल है, इधर क्लासरूम कैसी है, बैठने चेयर पर हमारे ना क्लासरूम में दो दो फैन लगे होते हैं, इधर फैन भी 4 लगे हुए हैं, ठीक है, 4 फैन लगे हैं, चारों ही चल रहे हैं, हमारे क्लास में 2 फैन लगे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से उनको एक आधा चलाते हैं, एक मंदिर है अभी जो मौसम चल रहा है, लेकिन इधर 4 पंखे हैं, 4 में 11 चल रहे हैं, और क्लास में बैठा भी कोई नहीं है, खाली क्लास है, पंखे चलाएंगे, जन्नत ब्लॉक ऐसा ही मेरा निकल गया बाहर, अभी तक लाइट्स और फैन बंद करके हम भी निकलते हैं बाहर, क्लास में बंद कर देते हैं, इधर की मामले तो करना नहीं है, चलो हम ही कर देते हैं। वही अभी साइंस ब्लॉक यानी कि जन्नत ब्लॉक से मैं आ चुका हूँ वापस अपने डिपार्टमेंट में, और अभी हमारा लेक्चर है, सर आ गया क्लास में, अभी जाके लेक्चर लेते हैं, बाकी मेरे संगी भी आ रहे हैं नीचे ना, ये मेरे संगी भी आ रहे हैं इधर, तो अभी इनका वेट कर रहा हूँ मैं, ये भी आ जाऊँ तो फिर इकट्ठे चलते हैं, बाकी और भी संगी आ रहे हैं मेरे, तो अभी चलते हैं क्लास लेते हैं, 2 लेक्चर अभी हमारे पढ़े हुए हैं, और वहाँ अपने घरों को भी जाना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी की, हमारे भी 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं। क्लास में आ गया था मैं, लेक्चर हमारा शुरू हो गया था, अभी लेक्चर खत्म हुआ और 5-10 मिनट की ब्रेक है सिर्फ नमाज के लिए, तो भाई अभी हम निकले हैं मस्जिद से नमाज पढ़ के, तो ये मेरे दोस्त आ रहे थे इनके साथ ही, मैं भी आ गया था नमाज पढ़ने, तो अभी नमाज वगैरह पढ़ ली, अभी चलते हैं अपनी क्लास में, लेक्चर शुरू हो गया होगा, अभी जाके अपना लेक्चर लेते हैं, आखिरी लेक्चर है अपना, अभी मैं जा रहा था अपनी क्लास में, इधर अपने संगी मिल गया मुझे, पाया ना ये कुछ नहीं होता, ये कैमरा चाहिए ना, दरअसल पहली दफ़ा मैं सब लोग मैंने पीछे कुड़ियाँ नाले आए इधर नो आया अगे मैं तेरी प्यार नहीं चल रही हूँ, तो ये है जी अपना भाई शेख और अजान, अजान पहले भी एक ब्लॉग में मेरे साथ आया हुआ है, और ये शेख तो आपने पहली दफ़ा देखा होगा मेरे साथ, तो बाकी ये मेरे संगी भी मुझे इधर मिले हैं, तो पढ़ के हम आए हैं। हाँ जी चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह पढ़ गए हैं, पढ़ गए तो मैं तो बाकी खैर अभी इनसे मिला हूँ, मैं अभी इनसे मिल लिया, अभी चलते हैं अपनी क्लास में जाकर लेक्चर लेते हैं। अभी मैं अपने संगियों के साथ बातें करता करता अपने डिपार्टमेंट के बाहर आ गया हूँ, अभी इनको भी छुट्टी हो गई है, हाँ जी तो मेरा भी लेक्चर है, इनको छुट्टी हो गई है, ये भी जा रहे हैं घर, तो बाकी खैर अब इनसे भी मुलाकात होगी कल। ओके फाइन, ओके मैं फिर भी थी मिल के गया, ओके सारे जा रहे हैं, मैं कला यूनिवर्सिटी रह जाना, जो तो मैंने छुट्टी नहीं, मैं कला देखना मैं की करा नहीं तू भी घर आ जा कर फौरी चलो ठीक है कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो बाकी खैर यार दोस्त भी मेरे चले गए हैं, अभी मैं भी चलता हूँ क्लास में, आज की लेक्चर मेरा जाकर अपना लेक्चर लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे छुट्टी होगी, दोस्तों को सबको बारी बारी छुट्टी हो चुकी है, सारे अपने अपने घरों को चले गए हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ एंड पे बस। यस सर प्रेजेंट। तो भाई फाइनली लेक्चर अपना खत्म हो चुका है, छुट्टी हमें हो गई है, सबसे लेट छुट्टी हो गई है हमें, छुट्टी हो चुकी है।
मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल अभी जरा चलते हैं। हमने डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। ये संगी भी आ रहे हैं मेरे, और एक का जो मिशन है वो अभी यूनिवर्सिटी में है, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी चली जाती है। मेरे इस संगी का जो मिशन है ना वो नहीं जाती, वो इधर ही रहती है, वो पता नहीं वो भी ताले लगा के जाती है हमारे साथ। तो बाकी खैर अभी अपने डिपार्टमेंट के बाहर आगे खड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर खड़े होते हैं, बाकी संगी भी आते हैं, तो फिर इकट्ठे निकलते हैं। इधर डिपार्टमेंट के बाहर मैं खड़ा हुआ था, बाकी संगी भी आ गए हैं। इधर मेरे ये मैच देख रहे हैं, अपना मैच लगा हुआ है, पता नहीं आज कौन सा मैच है वर्ल्ड कप का। तो मैंने तो जब से पाकिस्तान आ रहा है ना, मैंने तो मैच देखना ही छोड़ दिया। और इधर ये जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ना, बड़ा सदरस ये गोल सा, ये गोल चक्कर, ये हमारी यूनिवर्सिटी का घंटाघर है, हमारी यूनिवर्सिटी का घंटाघर से मैं बोलता हूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी का गोल चक्कर है। तो इसके बिल्कुल सामने इधर पीछे ये हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और अभी अपने डिपार्टमेंट के बाहर ही करने कुछ निकलते हैं घर जाते हैं। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी से घर वापस आ गया था, खाना वगैरह भी मैं खा चुका हूँ, और अभी कजन मेरा आया हुआ है, फिर से भी कजन के साथ जाना है। इसमें अपनी ये मेरा कजन बैठा हुआ है इधर, ये बंदा है ये, अभी मेरे साथ जाना है। इसने अपनी पैंट जो है ना वो नैरो करवानी है, कुछ ना पैंट की अल्ट्रेशन करवानी है इसने थोड़ी बहुत, तो वो अभी इसके साथ मैं जाऊँगा, इसकी पैंट ठीक करवा के आऊँगा। आयो पैंट यार, पहले चक्की तो आटा भी लेके आना ना, ले आवा मैं, दो मिनट लगने हैं मोहल्ले दे चक्की है, पक्की गल है। चल आ फिर चलिए, चक्की में फिर वापसी दिखाऊंगा, चक्की खुली होंगी। तो बाकी एक सीन ये है कि आपको पता होगा, कल के लोग में देखा होगा कि मैं गन्ने में छोड़ के आया था चक्की पे, तो वो भी ले गया हमने वापस। लेकिन अभी इसका पहले काम पड़ गया इस बंदे का, कि इसने ना वो पैंट की ठीक करवानी है अपनी, कोई ना थोड़ी सी फिटिंग करवानी है, तो वो अभी करवा के आएंगे पहले, फिर आके मैं चक्की से गन्ने लेके आऊँगा। भाई कजन अपने को मैं ले आया था इधर कोहे नूर, और इधर कजन मेरा इधर मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो ये बंदा ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ, जिस पैंट की अल्ट्रेशन करवानी थी ना वो पैंट लेके नहीं आया, अभी और पैंट उठा के ले आया है, अभी मैंने वही दिलवा दिया। मैंने कहा चलो जो सो पैंट है जो भी सुन, अभी क्या दिखाऊँ, उधर से दोबारा दिखाऊँ, उधरों दोबारा दिखाऊँ, उधरों दोबारा दिखाऊँ, नहीं भाई मैं अपने। अच्छा तो पैंट जो थी ना वो कोई और उठा लाया है, ये जो भी पैंट इसने अब ले के आया ना मैंने वही दिलवा दिया। मैंने कहा चलो यही इसकी फिटिंग करवाओ, इसकी अल्ट्रेशन कराओ, बेशक ये वो पैंट नहीं है लेकिन अब आया हूँ मैं लेके आया हूँ तो करवानी तो पड़ेगी। और पैंट आके इधर खोल के इधर आके देखी है कि वो पैंट पे ही और, ताकि अभी खैर जो भी पैंट थी वो इधर दे दी अल्ट्रेशन करने के लिए। और ये इधर मेरे पीछे तो सारा कोहिनूर है, कोहिनूर मार्केट है जो लड़कों की मार्केट है पैंट वगैरह का। और इधर ये जो सीन है ना, ये सीढ़ियों के नीचे है, अल्ट्रेशन वाले जो भाई हैं ना फिटिंग करते हैं जो, वो इधर बैठे होते हैं, क्योंकि पहले भी कोई नहीं उसे पेंसिल वगैरह कुछ भी लेते हैं ना, तो इधर नीचे से आके फिटिंग करवानी पड़ती है, पैंट लें शर्ट लें, तो ये सीढ़ियों के नीचे इधर बैठे होते हैं भाई। इधर भी बैठे हैं वो, इधर मेरे पीछे वो दूसरी जो सीढ़ी है ना वो पीछे उधर भी बैठे हैं, तो इधर फिर अल्ट्रेशन वगैरह इधर करते हैं, शर्टों की फिटिंग पैंटों की फिटिंग वो इधर होती है सीढ़ियों के नीचे से। तो देखें कहाँ पर जगह ढूंढी हुई है, सीढ़ियों के नीचे जगह ढूंढ के फिटिंग हो रही है। तो बाकी खैर अब इसकी भी पैंट दिलवाई हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पैंट मिलती है फिर वापस जाते हैं। तो ये भाई मेरे यूनिवर्सिटी के भाई हैं, ऐसे लोगों के क्लास था लो, तो ये भी मुझे इधर मिले हैं, तो ये भी इनका भी कोई पैंट का ही ना फिटिंग है कोई चक्कर है, तो सिलसिले में ये भी इधर आए। तो अभी इन्होंने मुझे देख के मैं ब्लॉग में आ रहा हूँ, तो पीछे हो गए ना, मैं दिखा रहा था आपको कि सीढ़ियों के नीचे भी ये काम चल रहे हैं, तो तब मुझे भाई ने ऊपर से पहचान के बाद दिया कि शाहरुख भाई इधर भी, तो भाई भी मुझे इधर मिले हैं, तो भाई से गपशप हो रही है मेरी इधर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ इधर भाई से काफी देर मुझे गपशप हुए करते, काफी ज्यादा टाइम मुझे लग गया, कजन मेरा ना उधर पीछे भाई निकल के खड़ा वेट कर रहा है, तो भी भाई से इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे यार आपसे कभी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह दोबारा, तो मेरा कजन जल्दी में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अभी इधर कजन मेरा ना बाइक निकाल के बाहर वेट कर रहा है, बड़े गुस्से से मुझे देख रहा है, गुनिया डाल के आया अल्लाह रे बंदे आया कहे कमी पे आ गए। चलो भाई ने कटे मोटरसाइकिल, ये ना ऐसे जिदा वो दूसरी बीवी नहीं गुस्से ना देख रही तो ऐसे गुस्से ना देख रहे हैं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो भी खैर निकलते हैं घर के लिए, अपने कजन की पैंट की फिटिंग वगैरह करवा के आ गए थे हम घर वापस, और आते हुए साथ ही फिर गन्ना वगैरह भी मैं ले आया था, तो जो आटा पिसवाने के लिए दिया हुआ था, तो इसी के साथ अपने आज के काम जो खत्म हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुल पर्सन। बाकी आज का जो लोग है वो करते हैं यही पैंट, क्योंकि अभी मैं ना इधर अपने रूम में जा रहा हूँ, और इधर जाके आपको पता है कि मेरा क्या सीन होता है, मेरा क्या काम होता है, बस गाने सुनूंगा और थोड़ी देर टाइम पास करूंगा, इसके बाद फिर ब्लॉग एडिट करूंगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और सब्सक्राइब लाजमी करना है अपने भाई संगीतर को, और लाइक करना है शेयर करना है, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है ठीक है कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।